पटना शहर और पटना शहर के आसपास के क्षेत्र यथा दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ इत्यादि के इलाकों में जल जमाव की संभावित स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर कई प्रकार की योजनाएं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बनाई गई हैं और उन योजनाओं के तहत क्रियान्वयन का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। जितने भी वर्तमान में पंपिंग स्टेशंस हैं उन सबों की क्षमता वर्धन, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट का कार्य किया जा रहा है और क्षमता वर्धन के अंतर्गत इन सभी एग्जिस्टिंग पंपिंग स्टेशंस में नए पंप्स लगाए जाएंगे। नए पंप्स के अलावा स्पेयर पंप्स भी रखे जाएंगे और जहां जहां स्पेस नहीं है वहां माउंटेड ट्रॉली पर स्पेयर पंप्स का क्रय किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इत्यादि सभी प्रकार के पंप्स का मिक्स रखा जा रहा है ताकि यदि किसी कारणवश विद्युत आपूर्ति बाधित भी होती है तो भी वैकल्पिक डीजल इत्यादि के माध्यम से जल निकासी का कार्य होता रहे। इसके अलावा नए डीजी सेट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का भी क्रय करते हुए सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसके साथ साथ सभी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन में डेडिकेटेड फीडर की स्थापना हेतु भी ऊर्जा विभाग के सहयोग से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सभी जितने भी हमारे वर्तमान में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबों में जो भी सिविल स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता थी, कहीं पर इंटेक वेल के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता थी, कहीं नया वेल निर्माण करने की आवश्यकता, सिविल स्ट्रक्चर्स को रेस करने की आवश्यकता थी, कहीं पर पंप्स को रेस करने की आवश्यकता थी, तो सभी प्रकार के सिविल वर्क्स को आइडेंटिफाई करके सबका प्राकलन बनाकर सबकी निविदा निकाली जा चुकी है, कार्य भी आवंटित किया जा चुका है और इन सभी कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य आगामी जून माह तक निर्धारित किया गया है ताकि आने वाले इस सीजन में, बरसात के सीजन में लोगों को इससे संभावित कठिनाई कम से कम हो सके। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के जितने भी 9 प्रमुख नाले हैं उन 9 प्रमुख नालों के उड़ाही और सफाई सालों भर होती रहे इसके लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन अलग अलग पैकेज में अलग अलग क्षेत्रों को बांटकर किया जा रहा है और यह एजेंसी के माध्यम से कार्रवाई इस प्रकार की जाएगी कि साल में 3 बार प्री मानसून, ड्यूरिंग मानसून और आफ्टर मानसून नालों की सफाई होगी और सभी नालों का एक लेवल डिफाइन करवाया जा रहा है कि जिस लेवल तक गाद को हटाना या जो भी गंदगी को हटाना या डिपॉजिट्स को हटाना और नाले की सफाई करना यह उस एजेंसी की जिम्मेवारी होगी और सफाई के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और नगर निगम के पदाधिकारियों और अभियंताओं की संयुक्त टीम बनाकर सभी नालों की जांच भी कराई जाएगी ताकि वास्तविक रूप से यह पता चल सके कि जितनी सफाई की जानी थी उस मात्रा में सफाई की गई या नहीं की गई। इसके अलावा जो भी हमारे अंडरग्राउंड कुछ जो प्रमुख नाले जैसे नाला रोड से बोरी कनाल रोड, आशियाना दीघा रोड, इस प्रकार के जो भी प्रमुख नाले हैं उन अंडरग्राउंड नालों की भी सफाई के लिए एजेंसी का निर्धारण निविदा के माध्यम से किया जा रहा है और इनको भी अंडरग्राउंड नालों की सफाई का लक्ष्य दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्लोबल टेंडर के माध्यम से पूरे पटना क्षेत्र का कंप्लीट ड्रेनेज प्लान, कंटूर मैपिंग, जीआईएस मैपिंग और सभी प्रकार के साइंटिफिक डेटा, एग्जिस्टिंग ड्रेनेज स्ट्रक्चर, प्रपोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों के साथ ग्लोबल जो कंसल्टेंट की बहाली के लिए ग्लोबल टेंडर इन्वाइट किया गया है जिसको कि बहुत जल्द आगामी एक सप्ताह के अंदर लक्ष्य रखा गया है उसको एजेंसी का चयन करने का, उसके माध्यम से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जा रहा है और इस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान का उद्देश्य यह है कि शॉर्ट टर्म के अंतर्गत वैसी योजनाओं को लिया जाए जो कि इस वर्ष मानसून के पहले क्रियान्वित किया जा सके ताकि इस वर्ष जल जमाव में लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़ सके और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के तहत ऐसी योजनाओं को लिया जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म में अगले आने वाले कई दशकों के लिए पटना के जल जमाव की स्थिति को निपटारा उससे उस पर काबू करने के लिए जो प्रभावकारी होंगे, अर्थात लॉन्ग टर्म प्लान के अंतर्गत कई एग्जिस्टिंग ड्रेन्स की उसका इन्हेंसमेंट के साथ में कई नए एग्जिस्टिंग ड्रेन्स बनाए जाएंगे, ड्रेन्स का स्ट्रक्चर्स को पूरा नेटवर्किंग किया जाएगा, उसको सुदृढ़ किया जाएगा और ऐसे कई उपाय किए जाएंगे ताकि आने वाले कई लंबे समय तक पटना को इस प्रकार का जल जमाव की स्थिति नहीं देखना पड़े। इस प्रकार के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं
विभाग द्वारा की जा रही है और